मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के बड़े बोल सामने आ रहे हैं। हाल ही में उन्होंने क्षेत्र क्रमांक 5 की बैठक में कहा कि इस बार इंदौर से सांसद कांग्रेस का होगा। सांसद सुमित्रा महाजन पर उन्होंने काम नहीं करने तथा लोगों के साथ वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि अब तो वे जिस पद पर हैं और जिस मंत्री पर हाथ रख दें वह इंदौर आकर कुछ न कुछ तो कर ही देगा, फिर भी उन्होंने इंदौर के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि दो नंबर क्षेत्र के नेता नफरत की राजनीति करते हैं, जमीनों पर कब्जे करते हैं, इसके बाद भी जीत जाते हैं। मजदूरों का तो कुछ भी नहीं हुआ और जो मजदूर के बेटे हैं वे चार्टर्ड प्लेन से घूमते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति में फ्री में कुछ नहीं मिलता। उन्होंने राव में खुद के चुनाव जीतने और हारने का किस्सा भी सुनाया और कहा कि राजनीति में फ्री कुछ नहीं मिलता, हार के बाद निराश होने के बजाय संघर्ष करें। कांग्रेस नफरत की राजनीति नहीं करती, दो नंबर वाले दूसरों को प्रशासनिक तौर पर निपटाते हैं, फिर भी क्या कारण है कि वे चुनाव जीत जाते हैं। उन लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि योद्धा मजबूत हो गए हैं, क्षेत्र के जो बच्चे पहले पैर छूते थे अब वे सवाल पूछने लगे हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट।